और तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। भाई के साथ जो नाइंसाफी होती है, जो अधिकार छीना जाता है वो ना मिले, और लोगों को मंत्री बने तो जाति आधारित गणना करा करके आरक्षण की सीमा को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। 75% हम लोग जो है आरक्षण बढ़ाने का काम किए, जिसमें कि पिछड़ा समाज को 24% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाने का काम किया, जो देश में इससे ज्यादा आरक्षण और कहीं नहीं, जो बिहार में हम लोगों ने करके दिखाने का काम किया। मानदेव जो स्वयं सहाय समूह है, चाहे टोला सेवक हो, चाहे तालमी मरकज हो, चाहे हमारी आंगनबाड़ी बहने हो, चाहे हमारे हमारा स्वास्थ्य विभाग का फाइल हमने कर दिया, लगभग 1.5 लाख नौकरी इसमें निकलने वाला है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 बार कैबिनेट में फाइल को आने नहीं दिया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी 1.5 लाख स्वास्थ्य विभाग में भी बहाली आएगा, जिसका हमने दस्तखत किया था स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए। ममता बहनों के लिए, आशा दीदियों के लिए हम लोगों ने 2500 मानदेय 2500 तक हम लोगों ने बढ़ा देने का काम किया, इतना हम लोग बढ़ा दिए। आंगनबाड़ियों के लिए हुआ, सभी लोगों का हम लोगों ने जो है ख्याल रखने का काम किया, लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे किसी भी प्रकार से कि सरकार जो है गिर जाए। आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्या कारण था। विकास मित्र हो, जीविका दीदी हो, इनका हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने का काम किया। हम लोगों ने कहा था कि भाई ऐसा अद्भुत है, सरकार में स्थिरता चाहिए होगा अगर बिहार को आगे बढ़ाना है, अवर राज्यों में ले जाना है, तो सरकार में स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन आप देखिएगा, एक साल एक टर्म में 5 साल मौका मिलता है मुख्यमंत्री को, लेकिन ये अद्भुत है, 3.5 साल 4 साल होने जा रहा है, आई 3 बार एक एक टर्म में शपथ ले ली, कहीं ऐसा हुआ है 9 बार ओथ ले लिए, जीते कितने बार, हालांकि तीसरा नंबर के पार्टी, लेकिन ओथ लिए 9 बार और एक टर्म में ले लिए 3-3 बार। उनको बोले भाजपा वाले लोगों को विधानसभा में, बोला बोलता है लोग मोदी जी का गारंटी, बड़ा मजबूत है। अरे हम तो मोदी जी को भी चैलेंज करते हैं, बताइए मोदी जी नीतीश जी का गारंटी लीजिएगा कि फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, सर बता दो। लेकिन नीतीश जी पुराने ख्याल आपके हैं, कोई विजन नहीं है, कोई नई सोच अब नहीं रह गई बिहार को आगे ले जाने के लिए, ना विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। इधर उधर इधर उधर, अरे हो क्या रहा है, हम लोग ईमानदारी से, लेकिन खुशी कम से कम इस बात की है कि हमने जो लकीर खींची है नौकरी के लिए, आज देश में कोई भी नेता होगा, कोई भी सरकारें होंगी, अब वो नौकरी और रोजगार के बारे में बात करेगी, काम करना पड़ेगा, इतना आप लोग ताकत दिए। और हम तो वो तो मुख्यमंत्री के बेटे रह चुके हैं, हम खुद 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हमको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको आपके लिए चाहिए, ताकि बिहार के लिए चाहिए, बिहार आगे बढ़े, आप लोग तरक्की करें,
सबको अधिकार मिले, सबको मान सम्मान मिले, हम लोग सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करें, ये हम लोग चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, लोग बोलते हैं कि राजद जो है, लालटेन पार्टी जो है, माई की पार्टी है। सुनिए, कुछ लोग कहते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ लोग कहते हैं कि राजद जो है, लालटेन जो है, माई की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? बी से बहुजन, ए से अगड़ा, ए से आधी आबादी, और पी से पुअर। पुअर मतलब गरीब। तो ये सब एक दूसरे वाले लोग हैं। सभी बहुजन आ गए, सभी अगड़ा लोग आ गए, आधी आबादी हमारी महिला आ गई, और सभी पुअर हमारे गरीब आ गए। ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग तोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग प्यार की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन भाजपा वाला लोग तोड़ना चाहता है। हम मुजफ्फरपुर के लोगों से जानना चाहते हैं, कई विधानसभा है यहाँ, कई ब्लॉक है यहाँ, बताइए 10 साल में भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया? आप लोग कीजिए, क्या फर्क आया आपकी जिंदगी में? देश भर में हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने वाले लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं। मुद्दे की बात होनी चाहिए, गरीबी खत्म करने की बात होनी चाहिए। बताइए मुजफ्फरपुर में मोदी जी ने कितना कारखाना लगा दिया, क्या पलायन रोक दिया? या बताओ, मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितने को रोजगार दिया? हमने तो 17 महीने में जो किया, जो कि 17 साल में नहीं हुआ। हम लोग काम करने वाले लोग, ये लोग केवल जुमला पार्टी है, केवल जुमलों की बात करता है, टकराव की बात करता है। आप लोगों से हम यही कहेंगे कि हम पर भरोसा कीजिए, हमको ताकत दीजिएगा तो हम आपके लिए लड़ेंगे और सब काम करेंगे। काम में कोई कोताही नहीं, जो आप फैसला कीजिए। सत्ता में रहना हो तो काम करेंगे, विपक्ष में रहना हो, आपके बीच रह के आपका आवाज उठाने का काम करेंगे। हमें किसी चीज की लालसा या हड़बड़ी नहीं है। आप लोगों का तरक्की होना चाहिए। और आप लोग देखिए, देश में आज तक जो है जाति आधारित गणना नहीं हुआ, बिहार में हम लोगों ने कराया। क्यों कराया? ताकि भाई स्थिति पता चले, कौन लोग कितने गरीब लोग हैं, कौन लोग दिहाड़ी मजदूर है, कौन लोग पलायन करता है, कौन लोग भीख मांगता है, कौन लोग ठेला धोने का काम करता है, रिक्शा चलाने का काम करता है, कौन लोग जो है कचरा और नाला साफ करने का काम करता है, कौन लोग है, कौन परिवार है रे भाई जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कौन लोग है जिसका घर नहीं है, पक्का मकान नहीं है, कौन लोग है रे भाई जो भूमिहीन है। हमने वादा किया था कि भाई सामाजिक न्याय के साथ साथ आप लोगों को आर्थिक न्याय भी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। इसलिए हम लोगों ने जातीय आधारित गणना कराया। अब पता चल गया कि भाई कौन लोग है, कितनी किसकी संख्या है, कौन बेरोजगार है, किसको नौकरी है, सारा कौन गरीबी रेखा के अंदर आता है। तो जो गरीब लोग हैं, जिसको नौकरी नहीं है, उसको हम लोग जो है मदद करने जा रहे थे 2 लाख रुपया देकर के, जिस परिवार में कोई नौकरी नहीं, आर्थिक मदद, ये योजना हम लोग बनाए। जिसका घर नहीं है उसको 1 लाख रुपया देंगे, जिसका पक्का मकान नहीं है, जमीन है लेकिन पैसा नहीं है, तो उसको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया देंगे।
हो सकता था इससे काम नहीं चलता तो और हम लोग बढ़ा देते, लेकिन यही काम सब छूटा हुआ था, इसी काम में हम लोग लगे हुए थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ उनको। अरे है तो हमारे आदमी ना, बुजुर्ग है, अभिभावक है, पहले भी आदरणीय थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, लेकिन भाई ये बात तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन सा रात रात भर घूम करके हम छापा मारते थे अस्पताल में, दवा बढ़ा दिए, साफ सफाई हो गया अस्पताल में, डॉक्टर ऑफिस भी डबल कर दिए, बिहार में पर्यटन नीति लाए और हमारे कार्यकाल में बिहार में सबसे ज्यादा पर्यटक भी आए, ये आप लोगों ने काम किया, आईटी पॉलिसी लाए, बिहार में इन्वेस्टर भी किया, पहली बार बिहार में बाहर के व्यवसायियों ने पूंजीपतियों ने बिहार के साथ समझौता किया कि बिहार में पैसा खर्च करेंगे, 50,000 करोड़ का एमओयू साइन कराया गया, इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारा, शिक्षा मंत्री आज राजद का, हेल्थ मिनिस्टर तो हम खुद ही थे, हर जगह आईटी मिनिस्टर जो थे बंसूरी जी थे, सारा काम हम लोग कर रहे थे, आईटी पॉलिसी लाए, स्पोर्ट्स नीति लाए, बताओ नौकरी तो नौकरी, जो बिहार में पहले कोई लोग खिलाड़ी लोग मेडल लाता था तो नौकरी मिलता था, हमारे राज्य में 17 महीनों में जो खेला जो मेडल लाया उसको भी हमने अफसर बनाने का काम किया, सरकारी नौकरी देने का काम किया, और जो पढ़ाई किया उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया, सारा काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए मुजफ्फरपुर में सब रिकॉर्ड कर रहे हैं जो हम 17 महीने में किए रहते हुए वो आपको गिना दे, लगभग 52 स्वास्थ्य केंद्र हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने किया, सैंक्शन किया, पूरे मुजफ्फरपुर में जहां भी जमीन उपलब्ध हुआ, जहां नहीं था वहां 52, चाहे गाय घाट हो, ओढ़ाई हो, मीनापुर हो, बोचहा हो, सकड़ा हो, कुर्दी हो, साहेबगंज हो, पाड़ हो, काटी हो, मुजफ्फरपुर में 6 से 8 प्रत्येक विधानसभा में हम लोगों ने उपकेंद्र का स्वीकृति हम लोगों ने देने का काम किया, अब बनेगा और हमने फैसला भी किया कि बनेगा तो प्री फैब बना, जल्दी बन जाता है, मेंटेनेंस में नहीं ज्यादा लागत रहता है, कपटपुरा काटी रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी का निर्माण 43 करोड़ रुपए का, प्रशासनिक सिक्योरिटी हम लोग दिए, मोतीपुर साहेबगंज एवं मोतीपुर महापुर के बीच आरओबी का निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपया जो है हम लोगों ने प्रशासनिक, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर परिषद में होमी बाबा के आचार्य अस्पताल का निर्माण इसी वृद्धि हम लोगों ने देने का काम किया, एमएमजीएसवाई अवशेष अंतर्गत 26 करोड़ लगभग 27 करोड़ की लागत से 41 पथ जो है यानी 26 किलोमीटर पथ का निर्माण का हम लोगों ने सैंक्शन किया, एमएमजीएसवाई नाबार्ड के अंतर्गत 43 करोड़ की लागत से 32 पथों का यानी 38 किलोमीटर का हम लोग ने निर्माण कराने का काम किया, एमएमजीएस उन्नयन योजना के अंतर्गत 52 किलोमीटर यानी 43 करोड़ की लागत से हम लोगों ने सैंक्शन करने का काम किया, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई कार्रवाई वाली सरकार, नियोजित शिक्षक भाइयों के लिए इतने सालों से आंदोलन चल रहा था उनको भी हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा दिलाने का काम किया, ये मामूली काम है, लोग बोलते थे असंभव है असंभव है, तो हम बता दिए अपने पाठशाला में बता दें कि कैसे काम होता है, आप वही भाजपा वाला लोग चले देख रहे थे, अपने ही घर का लोग था इधर उधर चला गया, अच्छा इधर दे तो उधर ही सही कुछ हो गया तो ठीक है, लेकिन वही लोग बोल रहा है कि भाजपा वाला लोग नौकरी दे रहे हैं, सब उन्हीं लोगों का बनाया हुआ था, सब कुछ वही लोग कर दिया, आपसे हम पूछना चाहते हैं ईमानदारी से कहिएगा, बताइए ईमानदारी से कहिएगा कि नहीं कहिएगा, आप
लोग सवाल है आप